हाँ क्या आप लोगों की शिकायत है सर, क्या आंकड़े आप लोगों के पास है उर्दू और पंजाबी टीचर्स के, ये थोड़ा सा सर। ये मामला जो है DSSB में जो एग्जामिनेशन कंडक्ट कराए थे पंजाबी और उर्दू टीचर्स के लिए, उसमें से काफ़ी एप्लीकेंट्स जो है क्लियर नहीं कर पाए, और उसमें काफ़ी बड़ा रीज़न था। उसमें रीज़न ये था कि उसमें जो एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट होते हैं उर्दू के लिए और TGT उर्दू और TGT पंजाबी और TGT संस्कृत के लिए, उसको दो कैटेगरी में बांटा जाता है, कैटेगरी ए, सेक्शन ए और सेक्शन बी। तो अभी तक जो पॉलिसी थी उसमें दोनों सेक्शन को क्लियर करना ज़रूरी था कि आपको जो सेक्शन ए है वो नॉन सब्जेक्ट सेक्शन आपका होता है, और सेक्शन बी जो कोर सब्जेक्ट का सेक्शन होता है। सेक्शन बी में जनरल सब्जेक्ट्स जो होते हैं सारे, जिसमें हिंदी, मैथ्स, हिंदी इंग्लिश, जनरल नॉलेज, रीजनिंग और मैथ्स, ये सेक्शन ए में होते हैं, और जो दूसरा होता है वो स्पेसिफिक सब्जेक्ट डोमेन का जो पेपर होता है वो सेक्शन बी में होता है। तो जनरली जिस सब्जेक्ट का एप्लीकेंट जिसमें एक्सपर्ट होता है वो तो क्लियर कर लेता है इजीली, उसमें तो वो क्वालिफाइंग मार्क्स जो मिनिमम 40 मार्क्स हैं वो ले आता है। पर सेक्शन ए जो पेपर होता है उसमें क्योंकि उनके डोमेन का नहीं होता है तो उसमें क्लियर नहीं कर पाते। और हमने देखा है, जो हमें रिप्रेजेंटेशन मिली है एप्लीकेंट्स की तरफ से, उनमें बताया गया है कि कई बच्चों ने, कई एप्लीकेंट्स ने सेक्शन ए में सपोज अगर 39 मार्क्स भी लाए और सेक्शन बी में अगर 80 मार्क्स भी ले आए तो भी क्वालिफाई नहीं कर पाए, क्योंकि सेक्शन ए और सेक्शन बी दोनों क्वालिफाई करना ज़रूरी था। तो ये एक मेजर हर्डल था, एक मेजर रुकावट थी जिसके होते हुए ये जो डिजर्वेबल कैंडिडेट्स थे उनको भी नौकरियां नहीं मिल पा रही थी। तो जब हमारे संज्ञान में ये सारा मैटर लेके आया गया, हमने इमिजिएटली DSSB जो दिल्ली में एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है उनको नोटिस इशू किया। हमने 15 तारीख को ये नोटिस इशू किया और 23/15/6/2022 को हमने नोटिस इशू किया, और 23/6 में ये मीटिंग दिल्ली स्टेट सबॉर्डिनेट सर्विसेज ने अपने वहाँ रखी और उसमें ये पूरा डिसीजन ले लिया। एक बार डिसीजन मैं आपको इंग्लिश में है पढ़ के मैं सुना देता हूँ। विद रेफरेंस नोटिस अंडर सेक्शन सो एंड सो ऑफ DMC नंबर सो एंड सो, इन दिस रिगार्ड आई एम डायरेक्टेड टू इन्फॉर्म दैट द बोर्ड हैज़ ऑलरेडी टेकन कॉग्निजेंस ऑफ द फैक्ट दैट मोस्ट ऑफ द वैकेंसीज इन रिस्पेक्ट ऑफ पोस्ट ऑफ TGT उर्दू, TGT पंजाबी एंड TGT संस्कृत remains unfilled. The board has deliberated the issue in its meeting dated 23/6/2022 and unanimously decided that for all such technical posts, the mandatory minimum qualifying marks will be applicable only in respect of section B, which is a domain subject specific. There will not be any minimum qualifying marks in section A. However, combined aggregate marks of both section A and section B will be reckoned for preparing the final merit list. This change in policy will be applicable only in respect of vacancies of post to be notified by DSSB in future. So, इसमें एक बहुत बड़ी राहत मिली है, आने वाले जितने भी हमारे एप्लीकेंट, जितने भी उर्दू के, पंजाबी के और संस्कृत के टीचर जो एग्जामिनेशन में अपेयर करेंगे उनको एक बहुत बड़ी राहत मिली है कि उनको अब सिर्फ अपने सब्जेक्ट स्पेसिफिक को क्लियर करना है, उसमें क्वालिफाइंग मार्क्स लाने हैं, सेक्शन ए में नहीं लेके आने, पर दोनों मार्क्स कंसिडर होंगे। उसका एग्जांपल मैं दे दूं कि अगर सेक्शन ए में आप 40 मार्क्स क्वालिफाइंग, उसमें से अगर आप 39 भी लाते हो या 30 भी लाते हो, और बी सेक्शन जो आपका डोमेन स्पेसिफिक सेक्शन है उसमें आप 70 लाते हो, तो 70 और 30 टोटल 100 मार्क्स बन जाएंगे और वो 100 मार्क्स कंसीडर किए जाएंगे आपको नौकरी देने के टाइम पे। अच्छा सर, एक आंकड़ा अगर आप बता सकते हैं कि टोटल कितने पद थे पंजाबी और उर्दू के, कि इतनी नौकरियाँ निकली थी और इतने ही सिर्फ भर्ती हुए थे, और अब कितने लोगों को राहत मिल सकती है, क्या दोबारा से टेस्ट होगा या जो टेस्ट हुआ था उसी को कंसिडर कर लिया जाएगा? इसमें मैं आपको पूरा प्रोसेस बता दूं, ये डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन ने 2016 में अपने सारे सरकारी स्कूलों में, क्योंकि सरकारी स्कूलों में ये पोस्ट खाली पड़ी थी, इसलिए वहाँ पे जो बच्चे थे अगर वो सब्जेक्ट जो लेना चाहते थे पंजाबी, उर्दू या संस्कृत, उनको मिलते नहीं थे क्योंकि टीचर्स अवेलेबल नहीं थे। तो 2016 में एजुकेशन डिपार्टमेंट ने ये पूरा सर्वे करके अपनी वैकेंसीज जो हैं वो सरकार को बताई। सरकार ने 2017 में इसको नोटिफाई किया और DSSB को 2018 में उनको बोला कि ये वैकेंसीज आप भरो सारी। तो पूरा प्रोसेस फॉलो करते हुए ये 874 TGT पंजाबी की और 917 TGT उर्दू की जो हैं
पोस्ट के लिए एडवर्टाइजमेंट निकाला गया 2017 नहीं, इसको 2018 में इनको निकाला गया और उसके बाद एडवर्टाइजमेंट जो है वो 2019 में निकाला गया, 19 के 20 में निकाला गया। और इसके बाद जब एग्जामिनेशन कंडक्ट हुए तो क्योंकि ये मेजर रीज़न था कि सेक्शन ए और सेक्शन बी दोनों इकट्ठे क्लियर करने जरूरी थे, इसलिए मेजरली एप्लीकेंट क्लियर नहीं कर पाया उसको और 90% उसमें एप्लीकेंट रह गए। 917 आपने जैसे उर्दू का बताया, 800 कुछ पंजाबी का, तो 917 में से कितने 90% को ही नहीं मिल पाया, 10% को ही कंसिडर किया, अभी अपॉइंटमेंट नहीं हुआ, 10% कंसिडर किए गए जिन्होंने क्वालिफाई किया। अच्छा, और बाकी अभी नहीं कर पाए उसमें क्वालिफाई। तो अभी जो जिन लोगों का एग्जाम हो चुका और उनका नहीं हुआ 90% आप बता रहे, हाँ, तो उन्हीं को कंसिडर किया जाएगा या अलग से फिर एग्जाम होगा? नहीं, अब ये जो अमेंडमेंट उन्होंने पॉलिसी में किया है ये तो उन्होंने लिख दिया क्लियर कि ये फ्यूचर एग्जामिनेशन के लिए है। अब जो एप्लीकेंट इसमें नहीं क्लियर कर पाए उनकी हमसे दोबारा बात उन्होंने की है, हमने कुछ उनसे क्लैरिफिकेशन मांगे, कुछ डॉक्यूमेंट मांगे हैं जिसके बिहाफ पे वो आने के बाद हम दोबारा से एक बार रब्ता करेंगे DSSB के साथ और पूरी कोशिश करेंगे कि ये जो एप्लीकेंट जो इस एग्जामिनेशन में नहीं कर पाए क्लियर क्योंकि ये कंडीशन की वजह से, तो हम कोशिश करेंगे वो कंडीशन हटवा के रिलैक्स करवा के इनको कंसिडर करवाएं उसमें इसी एग्जाम। तीनों ही जबानों के साथ हुआ? तीनों जबानों के साथ, इंग्लिश वो TGT पंजाबी संस्कृत और उर्दू में। तो 90% नहीं कर पाए? नहीं कर पाए। अच्छा, एक बात और बताइए, जो एक बड़ा इशू था जो उम्मीदवारों ने उठाया था कि उनको उनके अपने सब्जेक्ट के क्वेश्चंस पेपर ए में नहीं मिल रहे हैं, इसका उन्हें डिसएडवांटेज हो रहा है, क्या इसको मेंशन किया गया है इस पॉलिसी में? नहीं, उसमें उन्होंने हटा दिया ना, उसमें कंडीशन हटा दी उन्होंने। अब ए सेक्शन में आपको क्वालिफाई करना मैंडेटरी नहीं है, अगर आपके सब्जेक्ट के क्वेश्चन उसमें आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं उसमें आपको क्वालिफाई करना जरूरी नहीं है। अगर आप 40 मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 40 हैं, अगर उसमें से आप 20 भी ले आते हैं 25 भी ले आते हैं तो आप कंसिडर होंगे, बशर्ते आप सेक्शन बी में जो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक पेपर है उसमें क्वालिफाई करें और जितने नंबर लाएंगे उससे दोनों कंबाइन करके आपको एलिजिबिलिटी का ले लिए कंसिडर किया जाएगा। बिंदा सर, ये तो जो वैकेंसीज हैं तो लंबे समय से चली आ रही हैं, इससे पहले जो कमीशन था उसने भी एक अपनी रिपोर्ट दी थी और सारे डिपार्टमेंट्स वाइज उन्होंने बताया था कि किसी डिपार्टमेंट में कितनी कितनी वैकेंसीज हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अब कमीशन को इसको रिकॉग्नाइज करके फिर एक नोटिस भेजना पड़ा, क्या वजह? नहीं नहीं, अब तो उससे एक स्टेप आगे चले गए, अब तो कमीशन, अब तो DSSB नोटिफाई एप्लीकेशन जो थी उसकी जो वैकेंसी थी वो निकाल दी, इसकी एडवर्टाइज कर दिया और उसके लिए एग्ज़ाम कंडक्ट कराए। अब एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के बाद ये जो प्रॉब्लम आ रही है उसको, उसका सोल्यूशन निकालने के लिए हम उसको कोशिश करेंगे।